हैं। हमारे साथ इस वक्त गौरी द्विवेदी जी भी जुड़ी हुई है, आप उनसे समझते हैं। और गौरी जी, आप कैसे देख रही हैं, मतलब जैसा आशीष कह रहे हैं कि ये पहला ही दिन सेशन का, इस समिट का, और पहले दिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस समिट को लेकर ये सबसे बड़ी चिंता जो जताई जा रही थी वो ये थी कि शायद 2008 से जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि एक G20 कम्युनिक जरूर दी जाती है, वो शायद अब की बारी दिल्ली में ब्रेक हो जाए रशिया यूक्रेन को लेके। बहुत सारे लोगों ने चिंता इस बात पे भी जताई थी कि ऐसा ना हो कि रशिया यूक्रेन जो है वो पूरा एजेंडा हाईजैक कर ले जो इंडिया G20 के लिए तैयार कर रहा था। वो था इंक्लूसिवनेस को लेके, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात, और तमाम मुद्दों पे जो इंडिया बात करना चाह रहा था। ऐसा तो नहीं कि ये सारा एजेंडा हाईजैक हो जाए, सिर्फ रशिया यूक्रेन की बात रह जाए और उस वजह से G20 का कम्युनिक भी ना निकल पाए। जैसे आशीष जी ने बताया कि ऐसा नहीं हुआ है, और आज ही के दिन जो कि पहला दिन है समिट का, उसी दिन पर अगर सहमति बन गई है, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इसको अडॉप्ट किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की प्रेसिडेंसी के लिए। देखा जाए तो आज का दिन कई मायनों में एक माइलस्टोन दिन रहेगा इंडिया के लिए, इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए। G20 कम्युनिक भी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है, रशिया यूक्रेन ने एजेंडा को हाईजैक नहीं किया है, अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने इंक्लूड करके जो कहा पूरे 9 महीने से जो बात चल रही थी कि वो ग्लोबल साउथ का एजेंडा आगे लेके जाएगा, कथनी करनी दोनों मिली है। जितनी जो बात कही थी इंडिया ने उसे करके दिखाया अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके। तो मुझे लगता है ये G20 का पहला दिन जो समिट का था उसी से एक आइडिया लग रहा है कि जितना डिप्लोमेसी में एफर्ट गया है इंडिया की तरफ से वो अब रंग ला रहा है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए कि G20 कम्युनिक पे सहमति बनी है, और रशिया यूक्रेन वाले मामले पे भी, पेचीदा मामला जिसपे कहा जा रहा था शायद सहमति ना बने और इंडिया की G20 समिट में ये शायद एक विक्ट्री ना हो, ये भी झुटलाया गया है। और ये मुझे लगता है कल का जो सारी डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स होगी उस पे भी इसका बहुत पॉजिटिव असर रहेगा। ठीक है आशीष, अब ये आपसे समझते हैं कि मतलब ये जो आप लोग कह रहे हैं बार बार, हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि अचीवमेंट क्यों जरूरी थी, और अगर इसमें कोई, अब तो क्योंकि देखिए सफलता है सीधे तौर पर, अगर कोई बाधा आ सकती थी तो वो कहाँ आ सकती थी? देखिए, जैसा मैंने शिरीन आपको पहले बताया कि कई ऐसे महत्वपूर्ण देश थे जिनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानीज काउंटर पार्ट। और आप देखिए बड़ा दिलचस्प है, एक रात पहले प्रधानमंत्री जो बाइडेन से बायलैटरल कर चुके हैं, और आज ये कम्युनिके अडॉप्ट करने से पहले उन दोनों लोगों से भी मुलाकात कर ली, उन्होंने बायलैटरल कर ली, यूके प्राइम मिनिस्टर एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि दोनों से बहुत विस्तार से बात करने के बाद, सहमति बनाने के बाद, और दोनों को मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ने अपने करिश्मे से मनाने के बाद, फिर से दोहराऊंगा कि यूके के प्रधानमंत्री वहां से निकलने से पहले कह के गए थे कि पुतिन को अकाउंटेबल बनाना है, इसलिए मैं इस विजिट पे जा रहा हूं। जापान का पोजिशन हम अच्छी तरह से जानते हैं, रशिया यूक्रेन में पुतिन के खिलाफ है। ऐसे में अगर ये कम्युनिके नहीं आता तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एम्बैरेसमेंट होता है इंडिया की प्रेसिडेंसी को लेकर के। 43 देश, इतने बड़े बड़े नेशन, सारे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए हैं, और इतने बड़े महासम्मेलन के बाद आप एक जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं निकलवा पाए तो आप तो पूरी तरह फेल कर गए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को श्रेय देना चाहिए, डॉक्टर जयशंकर को श्रेय देना चाहिए। प्राइमरली ये इन तीनों की अक्यूट शार्प डिप्लोमेसी का नतीजा है कि इस जटिल मुद्दे को नेविगेट किया भारत कर पाया, और आखिरकार नतीजा ये निकला कि पहले ही दिन हम इस जॉइंट डिक्लेरेशन को सामने आता देख रहे हैं। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई, जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, अगर कुछ ऐसे रही भी होंगे सवाल, उनमें मनाने में कामयाब प्रधानमंत्री रहे, और इसीलिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। हमारे साथ भारत मंडपम से जैनेन्द्र जुड़े हुए हैं, जैनेन्द्र का रुख कर लेते हैं। अच्छा, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख करते हैं, जैनेन्द्र हमें दिख रहे हैं, उनके पास फिर से चलेंगे। नीरज, जिस तरह से देखिए यहाँ मेरे दोनों सहयोगी, चाहे वरिष्ठ पत्रकार गौरी हो या हमारे साथ स्टूडियो में आशीष बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि आज का दिन मतलब ये याद किया जाएगा इस पूरे समिट में, और कल भी इसका असर देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जाएगा ये डिक्लेरेशन।
बिल्कुल निश्चित रूप में बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में देखा जाएगा। जैसा आशीष कह रहे थे, मैं पूरी तरह से आशीष जी के साथ अपने आप को संबद्ध करता हूं, क्योंकि वो ये पूरे अगर आप बैठक का आउटकम देखें तो ये अब तक का सबसे बेहतरीन कह सकते हैं दिल्ली की जो समिट रही है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर जाएँ तो 2023 की ये जो अब तक की बैठक है, टोटल 112 ऐसे मुद्दे रहे जिनमें 73 में आउटकम आया, 73 मुद्दों पर सभी देश सहमत नजर आए। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो गया कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो वैश्विक लेवल पर बहुत सफल साबित होती जा रही है। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो बायलेटरल कर रहे हैं दुनिया के ताकतवर देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, और द्विपक्षीय वार्ता में जो बेहतरीन बातें निकल कर आ रही है कि चाहे WTA के मुद्दे पर रहा हो, चाहे जिस मुद्दे पर रहा हो, चीजें सामने आ रही है, वो अपने आप में भारत की ताकत का एहसास कराता है। और निश्चित रूप में ये कहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में 2014 के बाद से भारत ने अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करने में रोज एक कदम अपने आप को ऊपर उठाया है, और उसी का नतीजा है कि जो दिल्ली में इस समय G20 समिट, जो अब G21 समिट हो चुका है, इस G21 समिट में बहुत कुछ वैश्विक लेवल पर, चाहे वो चाइना को हो, चाहे पाकिस्तान को हो या दूसरे ऐसे देश हैं, उनके लिए एक तरह का ये बड़ा जवाब भी है। जी गौरी जी, आपके पास आती हूँ कि आपको भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इस तरीके से भी अचीवमेंट देखा जाएगा, क्योंकि भारत की अब पोजीशन क्या है, और वो मैं ग्लोबली आपसे समझना चाहूंगी कि आप ग्लोबल लेवल पर भारत की पोजीशन और मजबूत होगी इसके बाद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि उनका जो नजरिया है, उनका जो विजन है, वो देश समझ रहा है, उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल श्रीन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की डिप्लोमेटिक पोजिशनिंग इस G20 समिट के बाद बहुत बहुत ऊपर जाएगी, और ऑलरेडी देख रहे हैं हम उससे, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत ने अभी तक जो भी बातें बोली G20 समिट को लेकर, एजेंडा को सेट करने की जो बातें कही, वो सारी फुलफिल कर ली है अब तक की। चाहे वो अफ्रीकन यूनियन हो, वो अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अफ्रीकन यूनियन, जिसने 7 बारी कोशिश करी कि उसे G20 में सम्मिलित किया जाए, 8वीं बारी जाके वो अब G20 का हिस्सा बनेगा। अब तक जो इंडिया कह रहा था बार बार कि हम सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे, हम डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करेंगे, हम डेवलप वर्ल्ड के जितने इश्यूज हैं सिर्फ उधर तक ही नहीं सीमित रह जाएंगे, वो सारी बातें अब G20 में आके दिख रही है हमको। और जहां तक कम्युनिक की बात है, ये एक डिप्लोमेटिक कू है, क्योंकि पिछले साल बाली में भी जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया वो एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के तौर पर अडॉप्ट किया। लास्ट मिनट तक ये नहीं तय था कि पिछले साल बाली में G20 कम्युनिक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अब की बारी आप देखिए इस G20 समिट में पहले ही दिन में अगर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आ गया है, ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कू इनफैक्ट मैं कहूंगी इंडिया के लिए। और इससे आगे की जितनी जो बातें होंगी, जितनी जो द्विपक्षीय बातें होंगी या समिट के लेवल पे जो डिस्कशंस होंगे, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि अगर सारे लीडर्स सहमत हो चुके हैं G20 कम्युनिक को लेके, तो इससे आगे के उनके जितने भी डिस्कशंस होंगे उस पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और सब में इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा सारे विषयों पर लेके, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी की बात हो। UPI एक बहुत मामूली बात नहीं है कि सारे डेलीगेट्स UPI को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की बात होगी उसमें इंडिया का रोल सबसे अहम होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।